हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन गुरुजी में। आज हम और एक नई रिक्रूटमेंट लेके आए हैं आपके सामने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आ रही है। ये कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME पुणे के द्वारा जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें किन किन चीजों की रिक्रूटमेंट जो है की गई है, क्या मांगा है और कैसे जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पूरे डिटेल से आइए हम इसको जानते हैं। पहले देखते हैं कि किन किन पोस्टों के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे गया है। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के पोस्ट जो हैं दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं 23 प्रकार के पोस्ट जो हैं दिए गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पहला अकाउंटेंट हो गया, दूसरा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सीनियर मैकेनिक, मशीन माइंडर, उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट, LDC, स्टोर कीपर, सिविलियन मोटर ड्राइवर। सिविलियन मोटर ड्राइवर में आपको देखना होगा कि यहाँ पर इसका एज लिमिट जो है 18 से 30 साल रखा गया है, 18 से 30 साल रखा गया है सिविलियन मोटर में, 18 से 30 साल। और सब का जो है वो एज लिमिट आपका 18 से 25 है, लेकिन सिविलियन मोटर का जो है 18 से 30 साल का एज लिमिट है, तो इसे आप देख के अपने हिसाब से भर सकते हैं। और दूसरा जैसे कि लाइब्रेरी क्लर्क है, सैंड मॉडलर है, कुक है, फिटर है, मॉडलर है, उसके बाद आपके कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ब्लैक स्मिथ, पेंटर, इंजन, आर्टिफिशियर, स्टोरमैन, लेबोरेटरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग MTS और लेसर, ये सब विभिन्न प्रकार के पोस्ट जो हैं दर्शाए गए हैं। उन सब के सामने जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब में दिया गया है। किसी में BSc फिजिक्स, किसी में BSc, किसी में 12th। आपको LDC में जो है यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग जो है स्पीड टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपकी स्पीड टेस्ट अच्छी है तो आप LDC में अप्लाई कर सकते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के पोस्ट में हर तरह का आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। सबसे पहले जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो चुकी है, आप CMEPune.edu.in में जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 25th फरवरी इसकी लास्ट डेट है, आप ये ध्यान में रखिएगा, 25th इसकी जो है लास्ट डेट है। और इसमें दो तरह का जो है एज जो है दर्शा गया दिया गया है, 18 to 25 और 18 to 30। और इसमें जो भी जैसे कि सीनियर, अगर आप पहला एग्जाम पास करते हैं रिटेन, उसके बाद इसमें जो भी स्किल या प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। CMD के लिए, ड्राइविंग के लिए जो है आपको दिया जाएगा, कुक के लिए और LDC के लिए आपका जो है चयनित, अगर आप होते हैं नेक्स्ट राउंड में तो आपको प्रैक्टिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट देना होगा। और जो भी कैंडिडेट हैं वो तो शुरू से जानते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन में से क्या क्या है प्रोसेस। आपको 10th 12th बेसिस में अगर फॉर्म भरे हैं तो पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सही होना चाहिए, स्किल टेस्ट पास पास होना चाहिए। इसमें आपको दे दिया गया है कि किस किस प्रकार से, कहाँ कहाँ पे आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर विल बी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। पहला जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, उसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा और उसका जनरल अवेयरनेस जो है पूछा जाएगा। ये सब चीजें जो है उसमें रहेंगी, तो ये सब चीजों का बेहतरीन ढंग से आप प्रैक्टिस करें और एग्जाम को जो है निकालने की कोशिश करें। और इसमें कुछ ऐसा विशेष और नहीं दर्शाया गया है, और आप जाके इसका ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये उसका CME पुणे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे जब जाएंगे तो आप यहाँ से जो है कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जिस भी पोस्ट में डालना चाहे आप उस पोस्ट को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और कैंडिडेट नेम, जेंडर और अपना कैटेगरी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एज। एज जो है यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी आपकी 4/3/2023 से, आधार नंबर, उसके बाद प्रायर पोस्ट फॉर अप्लाइड, अगर आप किस पोस्ट को प्रिफरेंस देना चाहते हैं, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको अपने से सेट करना होगा, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से संपन्न हो जाएगा।
उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो फिर नेक्स्ट राउंड में आपको पता चलेगी। अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में और कोई भी जानकारी में अगर दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करें सॉल्यूशन गुरुजी में, हम वहां पे आपको समाधान करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।